कानपुर में अखिल भारतीय चौरसिया महासभा ने भव्य स्तर पर पारिवारिक मिलन और सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। लाजपत भवन में आयोजित इस 17वें समारोह में कई राज्यों से आए चौरसिया समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह को नामचीन लोगों और समाज को जोड़ने का काम करने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सफल बनाने का काम किया। इस मौके पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। समारोह में 60 जोड़े वैवाहिक बंधनों में बंधे। कार्यक्रम के आयोजक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि संस्था पिछले 16 सालों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और अब तक 600 से ज्यादा शादियां सामूहिक विवाह में कराई जा चुकी है। चौरसिया समाज कानपुर का एक ये कार्यक्रम था। इसमें हम लोग भी जो संस्था है अखिल भारतीय चौरसिया महासभा में से संबंध है और इस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, लड़के लड़कियों का चयन का मंच, ये सब कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया। पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ पर एक आयोजन कर रहे हैं और इसमें क्या आप बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं? विगत 17 वर्षों से इस अखबार में रहा है तो 17वां साल हो गए इस ग्रुप हम लोगों करते हुए और इस आयोजन जो हो रहा है इसमें अब जैसे अब की बार 60 विवाह हो रहा है। अब तक करीब 600-700 मेरे हमारे शादियां हम लोग करा चुके हैं। आज तो यहाँ पर 7 लोगों की शादी है, वैसे हम लोग अब तक 700 लोगों की शादी करवा चुके हैं और यहाँ पर हर तरह के लोग आ जाते हैं शादी के लिए, मतलब सम्मिलित होते हैं और अक्सर यहाँ पर शादियों का प्रोग्राम साल में एक बार होता है। विशेषता यही है कि भाई यहाँ पर जो भी और परिवार है जो मतलब अपनी बेटी की शादी यहाँ पे स्वेच्छा से करना चाहते हैं और थोड़ा सा उनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो भी आते हैं और क्या वो लोग अपने बच्चों की शादी यहाँ पर करते हैं। हम बहुत खुश हैं, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। शादी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसा भी मतलब हमेशा ऐसे ही हो, उनके पास भी ऐसे ही बने रहे जो गरीबों के लिए करें। यही संदेश देना चाहेंगे अपना जो जैसे विवाह करना यही से अपना कराएं। हाँ लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सर आज समाज मंदिर वाले से करा रहे हैं यहाँ से?